ಮಾಡಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು हेलो। अब हमारे माननीय रमेश मीणा जी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं साफा और माला के साथ। साथ में जिलाध्यक्ष शिवराज जी, सभी लोग जोरदार नारे के साथ स्वागत करेंगे अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, रमेश मीणा, रमेश मीणा। हमारे माननीय मंत्री जी की धर्मपंथी के द्वारा भी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया गया है। ये बहुत ही पहली बार आपने किसी राजनीतिक मंच पे उनको देखा है। ये बहुत ही हमारे आपके लिए एक खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मातृशक्ति भी आज इस मंच पर हैं। उनका भी एक बार तालियों के साथ में निवेदन करूंगा स्वागत किया जाए, तालियों के साथ एक बार। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आपके सबके लाडले माननीय मंत्री रमेश मीणा जी से आग्रह करूंगा कि आप पधारे और सभा को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से मुझे आदेश मिला कि नामांकन भरना है
और मुख्यमंत्री जी ने फोन पर कहा था कि आप काम करें और चुनाव की तैयारी करें। तो आज हमने फार्म भरा है मुख्यमंत्री जी, इस करौली के इतिहास में पहली बार इस तरह चुनावी सभा में, मतलब चुनावी नामांकन भरने के लिए पहली बार यहाँ पधारे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम इस सपोटा की धरती पर अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत आभार। और मंच पर उपस्थित जिला प्रमुख साहब, पंचायत समिति सपोटा प्रधान, करौली प्रधान, मंडल प्रधान, हमारे जिलाध्यक्ष शिवराज जी और माधोपुर से पधारे हमारे सत्यरंजन जी, डिग्गी जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच यहाँ मंच पर विराजमान है। इनसे जब जब हमने बात की 2008 में पहली बार मैं विधायक बना तो इन्होंने तोहफा मुझे दिया, संसदीय सचिव बनाया। दूसरे बार भी हम सरकार में नहीं आए, फिर भी इनका आशीर्वाद रहा और मैं उपनेता पार्टी की तरफ से बनाया गया। उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था। तीसरी बार आप लोगों ने मुझे चुनकर भेजा तो इतना बड़ा पद, ग्रामीण विकास, पंचायत राज मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे दिया। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ इस मौके पर। और जब जब हमने कोई काम की कहा इस कार्यकाल में तो जो मांगा लिख के दिया। पहले हम कोशिश करते थे 2008-09 में, तब भी काम देते थे, फिर भी कहते थे ये बहुत ज्यादा हो गई। इस बार जो लिख के दिया उससे ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें विकास के काम दिए। उन्होंने कहा था कि कितने काम मांग लो, आप मांगते मांगते थक जाओगे लेकिन मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा काम किया है राजस्थान में, ऐसा आयाम स्थापित किया है राजस्थान में विकास का कि कोई इसकी परिकल्पना नहीं कर सकता। लोग कहते कैसे विकास होगा, कैसे पैसा आएगा, कैसे काम होंगे, ये तो मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आज धरातल पर आप देख लें, सपोटरा की बात करूं केवल तो 650 करोड़ की रोड इस सपोटरा में लगभग 90% बन गई है। दूसरी आप पानी के काम 350 करोड़ के, कई सीएससी, पीएससी, शिक्षा विभाग में क्रमनत स्कूल और आपके कॉलेज, किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी। जो भी हमने विकास मांगा उस वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया। इससे पहले मैं पिछले कार्यकाल में जब राज्य में थे तब लड़ता था इनसे विकास के लिए, तो कहते यार तू झगड़ा करता है काम के लिए, लेकिन मुझे इनका आशीर्वाद और दिल से आशीर्वाद देते थे कि नहीं काम के लिए बात करता है। तो मैं जो जनता जनार्दन या विराजमान है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि विकास हमने बहुत किया राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में, कोई कमी नहीं रखी है, फिर भी लोग बातें करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, आज कोई कहने को नहीं है, कोई कमी हमने छोड़ी नहीं। तो कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी जातिवाद की बात करते हैं, कभी क्षेत्रवाद की बात करते हैं, कभी लोगों को लड़ाने की बात करते हैं, कोई छोटा मोटा मुद्दा हो जाए उसको सुलगाने का काम करते हैं। आप लोगों को सबको पता है करौली में क्या झगड़ा हुआ था, वो नेशनल लेवल पर इतना चला कि 2-3 बार मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पूछा ऐसा क्या हो गया करौली में,
करौली में क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, छोटा मोटा आपस में विवाद हो गया और उसको इतना तूल दिया कि पूरे देश भर में चैनलों में अखबारों में छपा। तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी ने जो विकास के काम किए हैं, जो योजनाएं लागू की हैं, उसका कोई सानी नहीं है। आज 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है गरीब के लिए। नहीं, एक जमाना था कि गरीब आदमी अपना जेवर बेच देता था, जमीन गिरवी रख देता था और इलाज के लिए भटकता रहता था, इलाज नहीं करा पाता था। लेकिन मुख्यमंत्री ने गरीबों की, आम आदमी की तरफ फीडबैक मिला और देखा, क्योंकि इनका अनुभव है। इन्होंने कहा कि भाई गरीब आदमी, आम आदमी का इलाज फ्री होना चाहिए। तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है, वो केवल राजस्थान में है और किसी प्रदेश में नहीं है। और 10 लाख रुपए का बीमा दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। पहले हम, कोई भी विवाद होता, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता, लोग धरने पर बैठ जाते, तो मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया, उनको ये समस्या पहुंची कि क्या करना चाहिए, तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। आप जितनी भी देखो, आपके गरीब आदमी की 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट किसान की बिजली फ्री, और आप हर क्षेत्र में कोई सी नहीं है, सिलेंडर आपका 500 रुपए में मिल रहा है, आपके हर योजना वाला निशुल्क दवा योजना, आपकी इंदिरा रसोई योजना, गरीब आदमी कोई भूखा नहीं रहे। और कोरोना में जो काम किया मुख्यमंत्री ने, वो राजस्थान पहला राज्य है जहां हर प्रकार की सुविधा, बीमार को बचाने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए और कोई आदमी भूखा नहीं सोए। इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने दिल खोलकर कोई कमी नहीं आने दी, कोई इलाज में कमी नहीं आने दी, कोई अनाज में कमी आने नहीं दी। तो हर प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया, आपकी पेंशन को बढ़ाया, सरकारी नौकर है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, और उसके अलावा आपके जितने भी बच्चे से लेकर के, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का पूरा ध्यान हमारी सरकार ने रखा और उनके नेतृत्व में हमने काम किया। लेकिन अब यहाँ बात आती है तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के और करौली जिले की मैं बात करूंगा। जब चुनाव नजदीक आता है तो 75% लोग तो जानते हैं कि विकास क्या होता है और विकास किसने करवाया है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि भाइयों, 52 में सरकार बनी थी, पहला विधानसभा का चुनाव हुआ, और इन 56 सालों में जो विकास हुआ है इस सपोटरा विधानसभा में, वो देख ले, और मेरा 15 साल का विकास देख ले, कितना अच्छा काम हमने किया है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे आने से पहले इस सपोटरा में कॉलेज नहीं था, वो भी मुख्यमंत्री महोदय की देन है, पिछले कार्यकाल में ही आपको कॉलेज मिला। इस बार मडरायल में कॉलेज मिला, आपके नगरपालिका आपको मिली, नगरपालिका मडरायल को मिली, कोई भी चीज जो हमने मांगी वो पूरे विधानसभा क्षेत्र को मिली, जिले को मिली, जिले में मेडिकल कॉलेज बन गया है, चालू हो गया है, चंबल पर पुल बन गया है, तो इतना बड़ा विकास हुआ है। फिर भी लोग चर्चा करते हैं कि एमएलए साहब ने क्या विकास कराया। पता है आप लोगों को, ये बनास नदी है, यहाँ से जब सवारी आती थी बैठ करके जीप में, तो महिलाएं पैदल आती थी हाड़ौती तक और उसके बाद जीप में बैठती थी। तो पिछले कार्यकाल में एक पुलिया हमने ही बनवाई थी और उसके बाद टूट गई, तो 90 करोड़ की दोबारा सेंशन करा दिया, दोबारा बड़ी पुलिया बनेगी, उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया है। और आपके जो देख रहे हो,
चाहे सपोटरा से कहलाते भी हो, चाहे सपोटरा से हालोती हो, चाहे हालोती से बगीता सपोटरा हो, ये 7-7 मीटर चौड़े रोड, चाहे आपके मंडराइल से आप करौली चले जाएं या मंडराइल से करणपुर चले जाएं, सब जगह 7-7 मीटर हर घर में नल लग रहा है, तो विकास में कहीं आपकी शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं, हर क्षेत्र में हमने काम किया। ये सड़क भी पहले टूटी हुई थी आपको सपोटरा कुलगाम की, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे राज में बनी, अरे हमने विधानसभा में उठाया, धरना प्रदर्शन किया, जब पैसा मिला और रोड हम नहीं होते विधायक तो टूटी फूटी रोड बनती, हमने 4-5 बार काम को रुकवाया, जांचें करवाई, आज रोड जो की तो है, ठेकेदार से कहा कि सही काम करेंगे तो आपको काम करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। तो मैं तो भाइयों आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों का खूब आशीर्वाद 3 बार लगातार मिला है, और बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनाव लड़के चले गए, हार के चले गए, आप लोगों ने उनको हरा दिया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अभी भी लोग कह रहे हैं कि हम 50,000 से जीतेंगे, और कोई कहता है 30,000 से जीतेंगे, लेकिन अंदर अंदर बहुत घबराहट है। तो आने वाले दिनों के लिए के चुनाव तो हम हार ही रहे, कोई ऐसा प्लान करो कि रमेश मीणा और कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर दो, कोई ऐसा प्लान बनाओ कि गाड़ी तोड़वा लो, कपड़े फड़वा लो, गोली चलवा लो। तो आप ध्यान रखना कि ये कोई न कोई सा बात पैदा करेंगे, जो आदमी बाद पैदा करेगा वो किस क्षेत्र का, इस जिले का क्या विकास करवाएगा। तो आप ध्यान में रखना कि कौन लोग कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पिछला भी देख लेना समय, और उनकी कर्म भूमि जन्म भूमि है वो भी देख लेना कि कैसे काम किए। और आपको पता होगा कि मिली भगत से बसवार बीजेपी एक है, आप ध्यान रखना, कोई अलग नहीं है कि अलग समझ लो आप, अलग अलग है, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं कि रमेश मीणा को कैसे हराना है। ये लोगों में बहकाते हैं, मंडराइल क्षेत्र में बात करते हैं, अरे माली समाज की लड़की के साथ मर्डर हो गया, रेप हो गया, ये रमेश मीणा की देन है, लेकिन मंडराइल के लोग भी यहाँ विराजमान है, उसका फैसला हो गया है, एफएसएल रिपोर्ट आ गई, अपराधी पकड़ा गया, और उसको उड़ा रहे हैं लोगों को, इधर उधर बहका रहे हैं लोगों को। इसी तरह के राजपूतों का मैटर था, वहां हमने कहा था कि दबंगई कोई भी करेगा, किसी भी समाज का करेगा, तो रमेश मीणा उस दबंगई को समाप्त करेगा, ये हमने कहा था, और आज भी कह रहे हैं इस मंच से, गरीबों की लड़ाई, आम आदमी की लड़ाई रमेश मीणा लड़ेगा, रमेश मीणा के पीछे कौन है, ये बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, कि हमने ईमानदारी से काम किया है, पार्टी में भी ईमानदारी से काम किया है, जनता के बीच रहते हैं, कोई माइका ला लिए कह दे ये मंच, यहाँ भी लोग इकट्ठे हैं कि रमेश मीणा ने किसी भी प्रकार किसी से भी 1 रुपया लिया हो तो बता दे, तो मैं आज यहाँ इस पर यही पर छोड़ दूंगा राजनीति, आज तक 1 रुपया नहीं लिया किसी से, लोगों की मदद करते हैं, और लोग फिर भी कहते हैं ये पता नहीं क्या करता है, कहां से लाता है, क्या करता है, अरे काम करते हैं भैया, काम धंधा करते हैं, काम धंधा करके घर चलाते हैं, और घर चलाने के बाद किसी से हम तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते कि आप हमारी मदद करो, क्योंकि आज मैं 3 बार आप लोगों ने चुना है, मैं जनता को लूटूंगा, कर्मचारियों को लूटूंगा, तो आपके बीच में गांव में घुस नहीं पाऊंगा, लोगों को बहकाया जा रहा है, अभी कुछ लोग हैं समझते नहीं है बेचारे, उनको बहका देते हैं, तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे साथ वो हो रहा है, अरे जितने भी योजना है कांग्रेस सरकार की, जितनी भी योजना आपको बताई अभी मैंने 5-7 ही बताई, अगर 1 घंटा लग जाए इतनी योजनाएं मुख्यमंत्री ने जो आम जन के लिए दी है, चाहे निशक्त जन हो, चाहे सिलिकोस नीति हो, चाहे अन्य योजना हो, इतना काम सरकार ने किया है, सरकारी कर्मचारियों के लिए किया है, उनके अगर सरकार हमारी आएगी तो ये भी कहा है मुख्यमंत्री जी ने, गारंटी दी है कि इसको एक्ट बनाएंगे, जिस तरह पेंशन का एक्ट बनाया है,
तो आप से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी 100% आएगी, कोई रोक नहीं सकता, और सरकार बनेगी ये आप लोग भी जानते हैं। तो मेरा निवेदन आप लोगों से इतना ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहां पधारे हैं, उनको आप सुने और उनके जो दिशा निर्देश हो, क्योंकि अशोक गहलोत उसका नाम है, गांधी सिस्टम से चलने वाले, गांधी विचारों वाले और गरीबी की सेवा करने वाले, गरीबों के बारे में सोचने वाले, गरीब अंतिम छोर पे झोपड़ी पे रहता है, वहां तक हमारे मुख्यमंत्री की नजर रहती है, उस आदमी के घर तक हमारी सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचे, हमारा विकास उस तक कैसे पहुंचे और पारदर्शिता के साथ पहुंचे। तो जो भी गड़बड़ करता है वो भी आपने देखा है, इस बार राजस्थान में जितने भी भ्रष्टाचार के केस हुए वो पता है, मुख्यमंत्री किसी को बर्दाश्त नहीं करते, गलत आदमी है तो उसको तुरंत कहते हैं इसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो मैं तो आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जब मैं पहली बार बना था तो हमारे डांग क्षेत्र के लोग भी आए, कितना डकैतों का आतंक था, कितनी गुंडागिर्दी थी यहाँ पर, सब हमने समाप्त कर दी कि नहीं कर दी, आप हाथ खड़ा करके बताओ। पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था है, सभी समाजों में है कि नहीं बताएं आप, सब भाईचारे की भावना से रहते हैं, या कोई भी किसी प्रकार का जातिवाद और क्षेत्रवाद नहीं है। तो कुछ लोग जातिवाद क्षेत्रवाद और बात फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, तो मैं लोगों से कहना चाहता हूं कितनी भी ताकत लगा लो चुनाव नहीं जीत सकते, चुनाव वही आदमी जीत सकता है जो जनता के बीच में रहेगा, जनता का ट्रस्टी होगा, जनता का सेवक होगा और ईमानदारी से काम करेगा। काम आप करते नहीं हो और लोगों को बहकाते हो, लोगों को झगड़ा करवाते हो, लोगों में दंगा फसाद करवाते हो, तो ये आम पब्लिक, आम जनता भी जानती है कि रमेश मीणा ने जो भी काम किया है, सर्व समाज का सम्मान किया है, सबको साथ लेकर चले हैं। तो मेरा तो इतना सा निवेदन है कि मैं तो आपको कहूं कि भाई मुझे वोट देना, वोट तो आप ही आपको देना है, चुनाव जनता आप लड़ रही है, रमेश मीणा कोई चुनाव नहीं लड़ रहा अकेला, आप जनता चुनाव लड़ रही है और आपको चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिलाना है, विश्वास दिलाना है, यही मैं आप लोगों से कहने आया हूं कि आपने हमें टिकट दिया है तो टिकट ये विधानसभा की सीटी चढ़ेगा, बस यही मेरा निवेदन है। और मुख्यमंत्री जी सपोटा की धरा पे पधारे, उनके लिए मैं बहुत बहुत, क्योंकि इनका अमूल्य समय है, मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया है, फिर भी मैं माफी चाहता हूं उनसे, क्योंकि उन्हें और आगे भी जाना है और मुख्यमंत्री के पास बहुत काम होते हैं, पूरा प्रदेश है, तो यहाँ पधारे उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, आप सभी को राम राम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय है। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, हमें आशीर्वाद दें और उद्बोधन दें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे मंत्रिमंडल के साथी रमेश मीणा जी, जो आपके लोकप्रिय कांग्रेस प्रत्याशी है, जिला प्रमुख साहब लखी लाल जी बैरवा, सपोर्टर प्रधान मुकेश गोत्रा जी, रघुवीर माली जी, मंडला के प्रधान डिग्गी मीणा जी, जिला प्रमुख सवाई माधोपुर, कुंज बिहारी जी रामू, ब्लॉक अध्यक्ष केला देवी, कमलेश मीणा जी, फतेहराम जी मीणा, भूपेंद्र भारद्वाज जी, कन्हैला जी शर्मा हमारे पुराने साथी हैं ये, शिवराज मीणा जी जिला अध्यक्ष DCC करौली, जलधारी जी मीणा, सुरेश मीणा जी और तमाम उपस्थित हमारे भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है जी जो माहौल में देख रहा हूँ चारों ओर,
इतना उत्साह यहाँ पर है, ये इस बात का प्रतीक है कि आपके रमेश मीणा जी के साथ में शांत भाई बड़ी बात सुना, रमेश मीणा जी के साथ जो आपका रिश्ता है वो बहुत ही स्पष्टवादी है, व्यावहारिक है, प्रतिबद्ध है, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए जो जिम्मेदारी दी जाती है उनको वो निभाना जानते हैं, दिल से उसी ढंग से काम करते हैं। वो अभी पंचायत राज व ग्रामीण विकास का काम देख रहे हैं आप, देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने एक के बाद एक स्कीमें लॉन्च करी। राजीव का की बहनें यहाँ बैठी हुई होगी, राजस्थान भर के अंदर करीब 50 लाख महिलाएं जो है वो स्वयं सहायता समूह जुड़ी हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार रमेश मीणा जी का काम करने का तरीका है। इसलिए आप बार बार उनको कामयाब करते हो, आशीर्वाद देते हो। मैं भी आपके बीच में आया हूँ अपील करने के लिए, मेरी मार्मिक अपील है, क्योंकि कई लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, केंद्र से भी आएंगे, राज्य से भी आएंगे। हमने जो काम किया वो आपके सामने है। इतनी स्कीमें मेरे ख्याल से आज तक इतिहास में कभी नहीं बनी, इतनी स्कीमें ने बनाई है। पूरे देश के अंदर चर्चा राजस्थान की होती है, हमारी स्कीमों की होती है, हमने कानून पास किए उसकी होती है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। इतना शानदार तरीके से काम किया गया कि हर राज्य में हमारी स्कीमों का विश्लेषण हो रहा है, वो वहां की सरकारें अपना रही है और हमने कमी नहीं रखी है। राहुल गांधी जी आए थे तो कहा चार मुद्दे हैं, महंगाई का है तो मैंने महंगाई राज शिविर लगा दिए, 10 गांडी आपको दे दी, 25 लाख का बीमा इलाज का। आप सोच सकते हो इलाज कितना महंगा होता था, दवाएं 500 हजार तो मामूली बात है, ऑपरेशन 25 हजार, 50 हजार, लाख, 2 लाख। आज पूरा इलाज फ्री होना अपने आप में बहुत बड़ा काम राजस्थान में हो गया, हिंदुस्तान में कहीं नहीं, पूरे देश के अंदर पूरी पब्लिक के लिए 25 लाख का बीमा कहीं नहीं है। कुछ राज्यों में 20% आबादी का है, गुजरात हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो और राज्य हो, राजस्थान एकमात्र राज्य है जो सभी के लिए बीमा कर दिया गया है। जो हमने स्कीम दी है, मैंने राज शिविरों 10 गारंटी कार्ड आपको दिए, दुर्घटना बीमा उसके अंदर है, अन्नपूर्णा योजना में तेल और दालें वगैरह उसमें रखी गई है, कामधेनु योजना में गायों का बीमा कर रहे हैं, भैंस का बीमा कर रहे हैं, जो गाय मर गई थी बेचारी लंबी रोग में तो हमने उनको एक पशुपालक को 40,000 रुपए दिए हैं जी, गाय मर गई जिसको दिए, हिंदुस्तान में काम मिला। और आप सोच सकते हैं 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, उसके कारण से आज 1,04,00,000 लोगों का बिल जीरो हो गया है, बिल जीरो हो गया, बिजली का बिल जीरो हो गया। किसानों के लिए 14,00,000 किसानों के लिए 2,000 यूनिट बिजली फ्री करते हैं, किसानों का अलग से बजट पेश कर दिया। कहा तो किसान आंदोलन करते थे, 500-600 किसान मारे गए, काले कानून आ गए, उनकी सोच ये है, उस पार्टी की सोच ये है, हमारी सोच है किसानों का भला कैसे हो, उनकी इनकम कैसे बढ़े, बचत कैसे हो। ये 500 रुपये गैस सिलेंडर दिया हमने उज्ज्वला योजना को लेकर के, कहाँ 150 का था और 500 रुपये हम देने लग गए। अब मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा गारंटी, आपको 7 गारंटी दे रहे हैं, उसमें एक और लिखा ये गारंटी भी उज्ज्वला योजना के अलावा भी, हमारी बहनें बैठी हुई जानती हैं महंगाई कितनी है, हम उनको दे रहे हैं जो खादी सामग्री लेते हैं राशन की दुकान पर, उनको जोड़ रहे हैं 1,05,00,000 लगभग महिलाएं होगी जिनको अब 500 रुपये गैस सिलेंडर महीने लग जाएगा सरकार बनते ही। इस प्रकार से कमी कोई रखी नहीं, हम लोगों ने कमी कोई नहीं रखी, उसी चर्चा पूरे देश के अंदर। ओपीएस कर्मचारियों के लिए
माननीय दर्शकों ने उन्हें दिया, सारे कर्मचारी खुश हैं। उनका हेल्थ का जो कार्ड बना है RGSS कहते हैं उसको, वो हमारी चिरंजीवी योजना जो है आम लोगों की, उससे मजबूत है। आप सोच सकते हो कि OPS हो चाहे वो अन्य योजनाएं हो, 3 लाख लोगों ने नौकरी में लगाई, करीब 2 लाख 2.25 लाख लग चुकी है, बाकी प्रक्रिया चल रही है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर 10 लाख करोड़ का हमने MOU साइन किए हैं, 30-40 हज़ार नौकरी लगा दी है और 100 जगह नौजवानों के लिए मेगा जॉब फेयर लगा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, कमी नहीं रख रहे हम लोग, कमी नहीं रख रहे हैं। इतनी सारी स्कीमें, अनुप्रति योजना बच्चों के लिए 50,000 फीस लगती है, गरीब आदमी कहाँ से 50,000 लाए कोचिंग के लिए, पैसे वाले तो पैसा दे देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, कोचिंग करवाने काम भी हम कर रहे हैं। विदेश जाना चाहे कोई बच्चा, पैसे वाले से जाते हैं। अब हमारे गरीब के बच्चे भी, 500 बच्चों को हम दुनिया किसी मुल्क में जहाँ उसका प्रवेश हो जाता है वहाँ भेज रहे हैं हम लोग, सरकारी खर्चे में भेज रहे हैं उसको। और ये सोच हमारी है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो थे, विद्यार्थी जो थे, वो उस वक्त में आपको मालूम है कि दलित वर्ग के थे, किस प्रकार का व्यवहार होता था उस जमाने के अंदर, 100 साल पहले की बात है। उनको बड़ौदा के महाराजा ने भेज दिया गायकवाड़ ने लंदन पढ़ने के लिए, आज वो संविधान निर्माता बन गए। हम चाहते हमारे बच्चे भी पढ़ के आए, ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन बने राजस्थान का, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई IT एक्सपर्ट बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, एक्सपोजर उसका होगा दुनिया का। तो कहने का मतलब है, सरकार अभी लंबी लिस्ट है, घंटों लग जाते हैं सुनाने के अंदर, कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी स्कीमें हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं आई, और राजस्थान के अंदर भी मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद में इतनी स्कीमें एक साथ में कभी नहीं आई होगी, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि किस प्रकार आपने जो आर्थिक साथ निभाया है, अब कोरोना आ गया, विश्वव्यापी महामारी आ गई, ऐसी महामारी थी पूरी दुनिया घबरा गई कि मैं खुद बचूंगा कि नहीं बचूंगा, लॉकडाउन हो गया, लोग घरों बंद हो गए। उससे मैंने नारा दिया था, एक तो सेव कर आप एक दूसरे का, दवाएं फ्री, इलाज फ्री किया हमने, किसी को मरने नहीं दिया ऑक्सीजन से। साथ में मैंने कहा था 35 लाख लोगों ने ढूंढा जो ठेले चलाते हैं, ठेले वाले बंद हो गए, कमाई कहाँ जा, लोग तो सब घरों बंद हैं, या कोई लावारिस लोग घूम रहे हैं सही, बस स्टैंड पर बैठे रहते हैं, सो जाते हैं। 35 लाख लोगों मैंने 5,500 रुपये भेजे उनके खाता खुलवा कर। लोग कलाकार घरों बंद बेचारे, कलाकार क्या करें, 5,500 उनको भेजे। कहने का मतलब ये है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा हम लोगों ने। और मैंने कहा कि कोविड काल में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए राजस्थान का इंसान, मुझे खुशी है कहते हुए आप सबके सहयोग से धार्मिक संस्थाओं ने भी NGO ने भी, धर्मगुरुओं ने भी, राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी, MLA के थ्रू भी हम लोगों ने सूखी सामग्री बंटवाई। कहने का मतलब ये, कोई भूखा नहीं सोए, वास्तव में प्रदेश के लोगों ने इस प्रकार सहयोग किया एक दूसरे का। इस नौबत नहीं है कि लोग भूख से मर रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, इस नौबत नहीं आई। तो ये तमाम काम हमने किए हैं, राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा, ERC का मामला है। आपको मालूम है 5 साल में झगड़ रहा हूँ केंद्र सरकार से कि भाई आपकी सरकार की योजना थी, सरकार बदल गई थी पिछली बार हमारी, तो आपकी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने रिफाइनरी बंद कर दी 55 बारमेर की, मेट्रो बंद कर दिया जयपुर का, बड़ी बड़ी योजना बंद कर दी, और तो और बद्रीनाथ केदारनाथ जाते लोग तीर्थ यात्रा में,
निकाल दिया। उसके बाद आगे बढ़ा रही है। हम खाली इतनी मांग करते हैं, प्रधानमंत्री जी आपने वादा किया था जयपुर में, काम टाइम पे पूरा को ये 2 लाख जमीन में सिंचाई, 13 जिले जिसमें आपके माधोपुर भी है, धौलपुर भी है, 13 जिले हैं, तो सब जगह पीने के पानी समस्या के लिए आज तक हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है केंद्र द्वारा। एक योजना 16 योजना चल रही है देश के अंदर, योजना कितनी है मतलब पीएम ने खुद पूरा करने का, एक पानी का मंत्री राजस्थान का हमारे जोधपुर के एमपी बीजेपी के, एक जल्दी होगी किसानों को भला होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, कोई पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। पीने के पानी का संकट है गांव गांव में, कहने का मतलब ये कि एक योजना पूरी नहीं कर पा रही लोग, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं पर स्टेट गवर्नमेंट का साथ रखे हैं। आप सबका आशीर्वाद से आज नहीं तो कल सफलता मिले सरकार, जनता सरकार और हम लोग पीछा उनकी जिद है हम नहीं लेंगे, हमारी जिद है हम तुम नहीं लोगे हम पूरी करके दिखाएंगे, तुम नहीं लोगे ईस्टर्न गवर्नमेंट करेगी अपने साधन से करेगी, पर ईस्टर्न राजस्थान जिसमें आप करौली माधोपुर धौलपुर सब आते जाता है, मुझे मालूम मैं आता हूँ पश्चिमी राजस्थान रहता हूँ जोधपुर से आता हूँ, इंदिरा गांधी कैनाल नहीं आई थी जब तक वहाँ आकाश होके बढ़ते थे, पीने के पानी का संकट, ट्रेन ट्रेन रेलगाड़ी से पानी आता था जोधपुर खाली आती थी, आज इंदिरा गांधी कैनाल आने के बाद में लाखों हेक्टेयर में सिंचाई खुशहाल हो रहा है, पीने के पानी का संकट खत्म हो गया है, पूरा कायाकल्प हो गया है। हम चाहते हैं कि ईस्टर्न आकाश करे को इंडस्ट्रियल लगा रहा है, पंजाब समिति वाइज लगा रहा है, उपखंड वाइज लगा रहा है, पहली बार राजस्थान के हर रिको का औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, छोटे मोटे उद्योग हमने एमएसएमई एक्ट बना दिया छोटे उद्योगों के लिए, मैं जाऊंगा ये इलाका वो है जहाँ के नौजवानों चाहिए खाली खेती उद्योगों में आए आगे शिक्षा बिना तालीम नहीं करें, हम रखने की तय किया है बच्चों का भी 50 मैंने घोषणा करा कि 1 लाख छात्र हॉस्टल कोई कमी नहीं आने, ऐसी कई योजना युवाओं के लिए है, मैंने युवाओं को समर्पित किया था बजट, अभी इस बजट के अंदर कहने का मतलब है कृपा करके आप लोग ये संकल्प करें कि सरकार तो अपना काम कर रही है और कोई कमी आने दे नहीं रही है, जिला नए बना दिया हमने, 53 जिले बन गए राजस्थान में, 33 20 जिले बढ़ गए हैं, छुट्टी कई होगी प्रशासनिक काम आसानी होगा, उसी रूप में रोजगार आगे बढ़ेगा, कोरोना बहुत शानदार काम हुआ राजस्थान के अंदर, राजस्थान का नाम दुनिया भर में पहुंच गया, भीलवाड़ा मॉडल इस प्रकार WHO ने तारीफ करी हमारी, अरे आपके खेल के अंदर हम चाहते इस बार आप हमें रिपीट करो वापस सरकार आपका आशीर्वाद से, केरल के अंदर हमारे 30 साल दीवार बन गया ये बदला बदली का, केरल में 70 साल बना हुआ था, आप विश्वास करोगे
कोरोना के अंदर हमारे तरह काम उन्होंने किया वहां की गवर्नमेंट ने, वो हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट वहां नहीं है, लेफ्ट पार्टी गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट है, पर कोरोना में काम करने मात्र से वहां की जनता ने 70 साल के बाद पहली बार सरकार रिपीट किया है। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती है? हमने तो कोरोना के अलावा भी काम किए हैं, उन्होंने कोरोना में काम किया अच्छा, हमने कोरोना के अलावा स्वास्थ्य के अंदर शिक्षा में कॉलेज खोल दी। ये रमेश मीणा जी बैठे, पूछो मैंने क्या रखा था सर एमएलए को, मैंने 70 साल में कॉलेज खोली 250, हमने भी खोल दी 310 कॉलेज खोल दिए, 5 साल 310 कॉलेज, 130 गर्ल्स लड़कियों कॉलेज खोल दी, लड़कियों की कॉलेज खोल दी 130, और मैंने कह दिया 500 लड़कियां पढ़ेगी स्कूल के अंदर और स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये मेरी कोरोना के रमेश जी बेटे पूछो मैंने क्या रखा अरे एमएलए को कि आप लोग काम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैंने क्या रखा। इसलिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अब हमने 7 गारंटी और देने का तय किया आपसे, क्योंकि 10 गारंटी दी वो लागू हो गई तो लोगों को विश्वास है कि ये सरकार जो है कहती वो करती है। यही बात में हमारे खड़गे साहब है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी है, ये हमें समझाते हैं, वादा करो मत, करो तो निभाओ, कर्जा माफ का मेरा राहुल गांधी ने कहा लास्ट टाइम सरकार बनती हमने कर्जे माफ कर दिए, लास्ट टाइम भर के कर्जे माफ कर दिए। अब जो राष्ट्रीय कर्ज बैंक है केंद्र सरकार की है, बड़ी बैंक है, दिल्ली की बैंक है, हमने कहा तुम उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दो 1,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ का, आप बैठ के उनसे बातचीत करते हो कि तुम्हारे ऊपर 1,000 करोड़ का कर्जा है, तुम 700 करोड़ दे दो हम बाकी माफ कर देंगे। मैंने कहा भले आदमी हो आप, राजस्थान के लिए भी करो, जो किसानों कर्जे हैं उनमें वन टाइम सेटलमेंट कर दो, और जो कर्जा मान लो एक किसान ने 10 लाख लिया हुआ है, सेटलमेंट 4 लाख में हो गया, 4 लाख मांग रहे किसान से, हमने कहा वो 4 लाख हम देंगे बाकी आप कम करोगे, सेटलमेंट कर लीजिए, उसमें तैयार नहीं हो रहे वो लोग। तो हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। और अब जो गारंटी दी जा रही है उसमें आप देखिए गृह लक्ष्मी योजना, ये मेरी बहने माताएं बैठी हुई है, घर की मुखिया है, हालांकि स्मार्टफोन भी दिए हमने, 40 लाख में बांट चुका हूँ स्मार्टफोन, पता नहीं मेरे किसी को मिला नहीं मिला, मिला किसी को क्या, किसी को नहीं मिला है। रमेश जी क्या कह रही है, एक पंचायत 100 दिए हैं, तो आप चिंता मत करो, 1,35,00,000 की मैंने बात करी थी, एक पंचायत 200 दिए क्योंकि फैक्ट्री बना नहीं पाई, टेलीफोन को हमने इतना बड़ी संख्या में घोषणा कर दी। तो अभी मैंने कहा है कि 40 लाख बंट रहे हैं अभी, और चुनाव के बाद 1 करोड़ और टेलीफोन बंटेंगे, सब महिलाओं को टेलीफोन मिलेगा, 3 साल की उसमें इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी। तो मैं जो कह रहा था आपको कि इस प्रकार से हमने जो स्कीम बनाई है, अब हमने नई स्कीम लागू की है, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, चुनाव के बाद हर महिला मुखिया को, घर की घर में 3 महिलाएं हैं मान लो, घर की मुखिया को 10,000 रुपए मिलेंगे, हर घर की महिला मुखिया को 10,000 मिलेंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपए का है अभी उज्ज्वला योजना के लिए है, दायरा बढ़ा के जो राशन की दुकान से राशन सामग्री लेता है उनका नाम होता है खाद्य सामग्री की स्कीम में, उन सबको मिलेगा अब 500 रुपए सिलेंडर देना लग जाएंगे हम लोग सगा बनते हैं। तीसरी गारंटी है वो आपको अजीब लगेगी, गोबर खरीदना, ये छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था, अच्छा काम किया, वहां भी चुनाव चल रहे हैं, तमाम किसानों का गोबर जो है सरकार खरीदती है, 2 फायदे हैं, एक तो गोबर से गैस बनती है, चूल्हे जलते हैं, खाद बनती है, गोमूत्र से भी दवाई बनती है, और साथ में जो गाय फिरती है घर के बाहर गलियों के अंदर, गाय माता लोग भी छोड़ देते हैं गाय को, दूध नहीं देती, तो
अब किसान रखने लग गया बाड़ों के अंदर, जिससे कि गोबर बनेगा, गोबर उनको प्राप्त होगा, उनको सरकार खरीदेगी तो महीने 500 रुपए 700 रुपए एक्स्ट्रा आमदनी हो जाएगी। ये हम गारंटी देना शुरू किया है। अगली बार हम भी जितने भी राजस्थान में गाय हो या भैंस हो, सब गोबर सरकार खरीदेगी 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। ये हमने तय किया है। 3 गारंटी हो गई। चौथी गारंटी है इंग्लिश की, इंग्लिश की स्कूलों की। यहाँ भी स्कूलें होगी मेरे ख्याल से, आपके वहाँ स्कूलें हैं, आपके इंग्लिश स्कूलें। अब हमने कहा है और जो मांगोगे, देखिए पहले मैं खिलाफ था अंग्रेजी के, जब मैं पढ़ता था तो मैंने कहा अंग्रेजी क्या काम आएगी हमारे। आज मैंने महसूस किया है अंग्रेजी का महत्व है, क्योंकि दुनिया बदल गई है, मोबाइल फोन आ गए हैं, बच्चे छोटे बच्चे भी गूगल्स में देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। इंग्लिश का अपना महत्व है, हिंदी के साथ साथ में अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हैं हम लोग। इतनी पॉपुलर हो गई है, लोकप्रिय हो गई है कि लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। अब हमने कहा है लॉटरी की नौबत नहीं आए, जहाँ मांग है वहाँ हम अंग्रेजी स्कूल खोल देंगे। ये मैंने वादा कर रहा हूँ आपके। चौथे गारंटी, एक गारंटी और है जो हमारे बच्चे यहाँ खड़े होंगे बारहवीं क्लास वाले, मैंने तय किया है कि जो बारहवीं पास करके जाएंगे फर्स्ट ईयर में जाएंगे कॉलेज में, जो सरकारी कॉलेज होगी और विश्वविद्यालय होंगे, उन सब बच्चों को एडमिशन लेने के साथ ही साथ हम लोग उनको लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे कंप्यूटर चलाने के लिए, सब बच्चों को देंगे। वो बच्चा शुरू से ही कोई हैबिट पड़ जाएगी आईटी बेस्ड काम करने के लिए, तो आगे बढ़ने में सुविधा हो जाएगी। और एक गारंटी और इम्पोर्टेंट, 2 गारंटी रह गई है। एक है अकाल सूखे के साथ में कभी ओलावृष्टि होती है, कभी बाढ़ आती है, बिजली गिर जाती है, मुआवजा बहुत कम मिलता है किसानों को। यही मैंने देखा, एक बार बाढ़ आ गई थी तो रमेश जी गए थे नदी किनारे पे, तकलीफ बहुत होती है, मुआवजा बहुत कम होता है। हमने तय किया है कि 15 लाख रुपए तक का बीमा करवाएंगे और 15 लाख तक बीमा की राशि उसको मिलेगी, 15 लाख तक का उनको मुआवजा मिल सकता है। ये हमारा प्रयास रहेगा। और अंतिम गारंटी साथ में है ओपीएस जो लागू किया कर्मचारियों के लिए। हमने कहा सरकार हमारी बनेगी, अभी ओपीएस को खत्म करने की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, केंद्र में लागू नहीं कर रहे हैं वो लोग। और जो 14 राज्यों में सरकार बीजेपी की है कहीं लागू नहीं है, सिर्फ राजस्थान लागू है या छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, कर्नाटक में जब सरकारें बनी कांग्रेस की। हमने वादा किया है सरकार बनाओगे तो ओपीएस का भी कानून पास करेंगे असेंबली के अंदर, परमानेंट काम हो जाएगा, उसके बाद में कोई सरकार को खत्म नहीं कर पाएगी। इस प्रकार मैंने कहा आपको कि सोशल सिक्योरिटी है, ये एहसान नहीं करते आप पे, ये हमारा फर्ज बनता है कि सरकार जो है जीवन चलाने के लिए हर परिवार को कैसे हम लोग सहयोग करें। ये दुनिया के मुल्कों में है, वहाँ कोई परिवार भूखा नहीं रहता, वहाँ पर हर परिवार को वहाँ कुछ कुछ मिलते रहते, पैसे मिलते रहते हैं। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी से भी, आप देश भर के लोग हैं परिवार, उन सब के लिए योजना लाओ, सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा सबको मिले। मैं यहाँ पर 1 करोड़ लोगों दे रहा हूँ बुजुर्गों को पेंशन, विधवाओं को, निःस्वजनों दे रहा हूँ पेंशन। पहले 750 रुपए थी, 1500 थी, अब मैंने 1000 रुपए कर दी है पेंशन, मिलने लग गई है। और मैंने उसमें वादा कर लिया, आगे कानून बना दिया है, अब अपना आप ही बिना मांगे अब 1000 की 1500 होगी, 2000 होगी, 15 बढ़ता जाएगा हर साल, अर्थ बढ़ता जाएगा, पहले बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है हम आपके आशीर्वाद से, आपने हमें मौका दिया काम करने का, 5 सालों की कमी रखी नहीं है। इस बार आप रमेश मीणा जी को और आपके बाकी उम्मीदवार, आपके अनिता जाटव है हिंडोन से, करोड़ी लाखन मीणा है, छोटा भीम से भी आजकल में डिक्लेयर हो जाएगा नाम, कृपा करके आप लोग सब मिलकर के हमारे चारों उम्मीदवारों को जिताओ, सरकार बनाओ। आप देखोगे
जो काम इस बार हमने करके दिखाया आपको उसे और ज्यादा मजबूती के साथ काम करेंगे और मजबूत करेंगे स्कीमों को, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। यही बात करता हुआ आप सब पधारे, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद शुक्रिया। जो देख रहा हूँ ये जो आप लोग बैठे जिस रूप में उत्साह आप में है, ये एक मैसेज आपका है, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका विश्वास हम सबके प्रति। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय।